प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान युवा प्रभाग के द्वारा बुधवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता निहारिका त्रिपाठी ने कहा कि सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता और आयरन लेडी थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। साथ ही पूर्व नियोजित वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ जो नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हुआ। उक्त वृक्षारोपण एवं श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश मंत्री अजीज बरनवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र केसरवानी, प्रांजल सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्याम रतन, सुमित्रा दुबे, जिला अध्यक्ष गगन सहगल, शालिनी गुप्ता, सुनीता गुप्ता, जिला महामंत्री नेहामणि आर, मंत्री चरणप्रीत सिंह, मीडिया प्रभारी प्रभात पांडे, मीना श्रीवास्तव एवं दीपा पांडे उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश प्रवक्ता निहारिका त्रिपाठी ने कहा मैं प्रदेश प्रवक्ता निहारिका त्रिपाठी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान से। हम सभी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के पदाधिकारी हैं। कल रात जो सुषमा स्वराज जी का पूर्व विदेश मंत्री जिनका आकस्मिक निधन हुआ है उसके तहत हम सभी ने यहाँ पे शोक सभा रखी है। उनका योगदान राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने टाइम में बहुत ही अचीवमेंट किया, बहुत ही योगदान दिया उन्होंने भारत की राजनीति को आगे करने के लिए। वो उन्होंने देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही, भाजपा की पहली मुख्यमंत्री रही, आयरन लेडी के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनको हम लोगों ने एक अष्टपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। हम सभी शोकाकुल हैं और एक श्रद्धांजलि सभा के द्वारा हम लोगों ने उनका नमन किया है, उनको वंदन दिया है। इस दौरान आप लोगों के द्वारा वृक्षारोपण भी किया जाएगा? जी, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था, लेकिन कल रात में जब ये हो गया तो हम सभी स्तब्ध थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन सबसे पहले ये था कि इस आयरन लेडी को, इन महिला को हम लोग एक श्रद्धांजलि दें, उसके बाद अभी हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने